पालघर स्टेशन पार करने के बाद एक आरपीएफ कांस्टेबल ने चलती जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर गोलीबारी की। इसमें एक आरपीएफ एएसआर और तीन अन्य यात्रियों को गोली मारने के बाद आरोपी दहिसा स्टेशन के पास ट्रेन से बाहर कूद गया। आरोपी सिपाही को हथियार समेत हिरासत में लिया गया है। पालघर स्टेशन के पास एक चलती ट्रेन में फायरिंग की गई है। जानकारी है कि पालघर के स्टेशन के पास एक चलती ट्रेन में फायरिंग से चार लोगों के मारे जाने की खबर है। दरअसल रेलवे सुरक्षा बल के एक जवान ने महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के पास जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर सवार चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। एक अधिकारी के अनुसार जवान ने अपने स्वयंचलित हथियार से गोलीबारी की, जिसमें एक अन्य आरपीएफ जवान और ट्रेन में सवार तीन यात्रियों की मौत हो गई। ट्रेन जयपुर से मुंबई जा रही थी। पालघर मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर है। एक आरपीएफ एएसआई और तीन अन्य यात्रियों को गोली मारने के बाद आरोपी दहिसा स्टेशन के पास ट्रेन से बाहर कूद गया। पश्चिमी रेलवे ने बताया कि आरोपी सिपाही को हथियार समेत हिरासत में लिया गया है। शुरुआती जानकारी से पता चला है कि ये घटना जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन 12956 के B5 कोच में हुई। ये पुष्टि की गई है। एस्कॉर्ट ड्यूटी पर सिटी चेतन के एस्कॉर्ट प्रभारी एएसआई पर गोली चलाई गई है। ट्रेन बोरीवली पहुंच गई है। अधिकारी ने बताया कि चेतन कुमार चौधरी ने चलती ट्रेन में अपने एस्कॉर्ट ड्यूटी प्रभारी एएसआई टीकाराम मीना पर गोली चला दी। अधिकारी ने बताया कि अपने सीनियर की हत्या करने के बाद कांस्टेबल दूसरी बोगी में गया और तीन यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी। रेलवे पुलिस और आरपीएफ अधिकारियों की मदद से कांस्टेबल को मीरा रोड पर पुलिस ने पकड़ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, केसरी उजाला न्यूज़, पालघर।